खाने के लिए क्या लाए हो मेरे लिए? जूते? गोली की फर्स्ट शादी है। बहू देखो काम कर रही घर में, और साथ पर्स लेके स्कर्ट पहन के निकल गई। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। वापिस आ गए हैं दुबई, दुबई सीरीज खत्म हो गई। थैंक यू नूर, नूर थैंक यू मेरा वीडियो खराब करने के लिए। सॉरी मैं जब बोल रही थी फिर क्यों बोल रही थी बीच में? मेरा मुंह साल निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। यार वाती छोटी गाड़ी की चाबी किधर? क्या छोटी गाड़ी की? देखो सारे काम मैं करूँ, छोटी गाड़ी की चाबी मुझे क्या पता। हर्ष इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ क्या बोल रहा था? छोटी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मैं तेरी गाड़ी धोने वाली हूँ या तेरी ड्राइवर हूँ बता? तू मेरी बीवी है। तो बीवी को चाबी भी पूछो, सॉक्स भी पूछो, बच्चा भी पूछो, फ्लश करना वो भी पूछो। आज सॉक्स, बच्चा और फ्लश तीनों चीजें नहीं पूछी, गाड़ी की चाबी किधर है बता? मुझे नहीं पता हर्ष, मैंने बेच दी गाड़ी। इसको पता भी है मेरा शूट है, फिर भी बीच बीच में आके तंग करी जाएगा। पराठा दे, ये दे, चल बाय तो कर दे, बाय कर और मुझे पप्पी देके जा। मनी शर्म आवे, देखा कितना रूड, हाउ रूड हर्ष। प्लीज गर्ल्स आप कमेंट्स में लिखना हाउ रूड हर्ष, सो क्यूट भारतीय से। चलो अब रेडी होते हैं। वो देखो हर्ष का बेटा, हर्ष के बेटे, हर्ष के बेटे, हर्ष के बेटे। क्यों भारती का बेटा? भारती का बेटा सबका बेटा, क्योंकि ये सबके पास चला जाता है। और अभी विष्णु को देख के इतना खुश हुआ, और विष्णु ने बोला आजा, और विष्णु के पास आ गया, क्योंकि दुबई मॉल काफी विष्णु की गोद में घूमा। चलो दुबई मॉल गोली, तो चलिए तैयार होते हैं, शूट पे चलते हैं, वापस आना फिर गोले के पास। तो मैं आ गई हूँ घर से शूट करने के लिए, और सेटअप लगा हुआ है। प्रिया भी बेचारी किसी से, किसी से उधार मांग के चेन लेकर आई है। देखो चेन चाहिए थी भी, कंटिन्यूटी में थी, वो चेन नहीं थी। ये बेचारी गई किसी से सड़क पे, इसने बोला 10 मिनट्स के लिए चेन दे दो, तो वो लेके आए। किसे दी किसने प्रिया? ये सीमा करके एक लड़की, उन्होंने दिया है, रियल गोल्ड है। सच्ची? हाँ। सीमा को बोलो अभी हमारे चोरी की कोई सीमा नहीं है, अब ढूंढती रहे। ओ भैया धोखा, ओ हैरी 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 हैरी। यार हैरी मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ हैरी आ जाता है। हैरी हाउ आर यू? वाओ खाने के लिए क्या लाए हो मेरे लिए? जूते? हैरी मैं फेमस हो गया हूँ मैं अभी। हाँ तुमने अपने ब्लॉग में देखा जी, कितना अच्छा किया। हैरी आज क्या करेंगे हम लोग? आज आप बोलिए क्या करना है? आज कुछ नया, चलो आज कोई गाना सुना दो मुझे फटाफट। 5 6 7 8 बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जीने लगता मैं मर गया। क्या बात है, हाय हाय कैसे उड़े, कैसे कैसे करी, वाह वाह वाह। हम लोग आपको अच्छे लगे? बिल्कुल बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मजा आता है काम करने। सच्ची फिर फ्री में करो ना, पैसे क्यों लेते हो? शाबाश। तो यार आयुषी बड़े अच्छे हैं, हंसते रहते हैं, यहाँ पे डिंपल भी पड़ते हैं। मैंने बोला आपके डिंपल बड़े अच्छे पड़ते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो किसी पहलवान ने मेरे को यहाँ पे पकड़ के कहा था कैसा है तू, तब से वो गड्ढे ही पड़ गए इनके, है ना? तेरा क्या बोला तूने? चलिए बताइए आयुष जी, आपको क्या लगता है नूर के घर क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? वो जिस तरीके से बालों के पीछे से कंघा लगाई है, मुझे लग रहा है बेबी बॉय। बेबी बॉय होगा नूर, ये कह रहे हैं? नहीं, बॉय है घर में, उनको बेबी गर्ल चाहिए। बिल्कुल, आशीर्वाद दोबारा दो, बेबी गर्ल हो आप, दोबारा दो ऐसे करके, बेबी गर्ल हो आपको। देना देना माला वीडियो को, ऐसे वीडियो मत करना, मैं टक्कर लाऊंगी। हैरी के बीच में हैरी है और भारी मैं हूं, वो गाना लगा रहे हैं। हैरी करेगा लाउनी, हैरी जल्दी और वरना तैयार होगी लड़की करने को। भाई हैरी प्रॉपर पूरा गाना लगा रहा है भाई, इज वेरी सीरियस अपने काम के प्रति, वो बहुत। वाह
फिर मिली मैं आपको और फिर मैं मेकअप करवा रही थी, कर लिया मेकअप तो करवा रही हूँ बाल। तोती आई, कैसी है तोती? बहुत अच्छी। ओ वाओ, आवाज़ देखो कैसे बेस वाली निकाली, बहुत अच्छी हो। सोकर आई है? नहीं, वो आवाज़ बैठ गई है। खड़ी करो आवाज़ फिर। और पीछे आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं सुपरस्टार, वो फिर चला गया। सो ये ऐसा ही रहता है, पता नहीं क्यों है, खड़ूस सा रहता है। और वैसे भी खड़ूस ही है हर्ष, जो लोग सोचते ना हो ही सो बबली बबली, कुछ नहीं ऐसा, बहुत बहुत सड़ू। नहीं मैम, मतलब क्या तो थी, हर्ष भाई बहुत अच्छे है। मैं तू प्रेग्नेंट है? सो दोस्तों, मैं एक आज सवाल पूछने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब वीडियो तो बनाती हूँ लेकिन नूर आई है इसीलिए बना रही हूँ, वरना कल भी बनाया था नूर के साथ। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि बताओ कि नूर के घर क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? जो जितने लोग सही बोलेंगे, जो हो गया उसके बाद हम देखेंगे, जो लोग सही बोलेंगे उनको हमारी तरफ से मिलेगा बहुत 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 सारा प्यार और पप्पियाँ। यार आप तो फैमिली हो ना, हेल्प करो ना, क्या होगा लड़का या लड़कियाँ? फिर मैंने नाम भी आप लोगों से ही पूछने हैं, है ना? मुस्लिम वाले नाम बड़े अच्छे होते, नूरजहां, रुकैया, क्या होता है? नहीं ये नहीं, अच्छे वाले, फेमस वाले, दुबई वाले। चलिए आप लोग हमें बता देना, पहले बेबी होने दो, पहले आप ये बताओ लड़का होगा कि लड़की, ठीक है? और मैं तैयार इसलिए हो रही, आज कोई शूटिंग नहीं, आज मैं जा रही हूँ शादी पे, कई सालों बाद किसी की शादी में जा रही हूँ मैं। और हर बार की तरह हर्ष जा नहीं रहा क्योंकि हर्ष बिजी है, और तो मैं जा रही हूँ भाई, खाना सारा खाऊंगी मैं शादी में। बड़ी बड़ी बड़ा टाइम हो गया, प्लेटें लग के लाइन में ली, प्लेटें पकड़ के लाइन में नहीं लगी, है ना नूर? आज लगूंगी मैं, देखना जितना मर्जी झगड़ा हो जाए, पूड़ियाँ तो गर्म मैं ही उठाऊंगी पहले, देखना ऐसे करके। सो हम अमन जी की शादी में आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी और बुरी बात हमने, बदतमीजी वाली बात की है कि हम मुंह उठा के चार चार पांच पांच लोग आ गए हैं, लेकिन हमने फूलों का एक गुलदस्ता तक नहीं लिया। एक्चुअली हमने लेना था, रास्ते में एक दुकान नहीं दिखी हमें, और मैं एक्चुअली शूटिंग से आई हूँ, मैं भूल गई थी कि आज शादी भी है, वो तो अनीश ने याद दिलाया, इसने याद दिलाया तो मैं आ गई हूँ। अभी कोई बात नहीं, अनीश ने बोला फूल बाद में मंगवा लो, तो वो मंगवा रहे हैं। हम इतनी हिम्मत दिखाई मैंने, बिना गिफ्ट बिना फूल के हम लोग अंदर घुस आए हैं, और वीडियो सारे हमारी बना रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमने हिम्मत कर ली है कि किसी की शादी में बिना गिफ्ट के आने की, और ऊपर से हम बॉडीगार्ड भी लेके आए हैं कि कोई गिफ्ट मांगेगा तो बॉडीगार्ड मारेगा। गोली, गोली की फर्स्ट शादी है। हाँ। गोली की फर्स्ट शादी नहीं, मतलब गोली गोला पहली बार किसी शादी में आया है। गोले, पहली बार आया शादी में, और ये कब से खड़ा है, ये नहीं कि हमको खाने को दे। हाँ, तुमको दिखा नहीं, हमारी पहले ही नज़र तुम पे गई। ये दे, एक बलवान आदमी ही दूसरे बलवान आदमी की भूख समझ सकता है। सही बात है, बड़ी 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 भूख लग रही है। गोली गोली ए गोली, ये देखो गोली क्या है। हर्ष तेरी वजह से मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। एक यहाँ पे हमें खाना पीना खिलाने वाले दादा है, मेरे को ऐसे देख रहे थे, मैंने बोला क्या हुआ, खुश हो के दो, सर नहीं आए। तो मैंने कहा कौन से सर? हर्ष सर, और ऐसे मुझे सर्व कर रहा सारी चीजें। अब क्यों हंसे हो? चलो मैं सर को साई पैलेस में लेके आऊंगी एक दिन, ठीक है? अब हंसो, चलो अब उदास हो जाओ, बस वेरी गुड एक्टर, एक्टर नाइस एक्टर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? शादी से आ गए भाई, बड़ी शर्म आई, पहली शादी थी जिसमें कुछ नहीं लेकर गए। बच्चे के साथ ना कुछ याद नहीं रहता, ये मैं कोई बहाना नहीं लगा रही क्योंकि मेरी हंसी निकल रही है, बट मैं ये कोई बहाना नहीं लगा रही, पता नहीं यार। थैंक यू अनीश, फटाफट कहीं से बुके लेकर आया, हमने उनको दिया,
कोई बात नहीं, हम उनको अमन जी को गिफ्ट बाद में भिजवाएंगे। और बस फिर से आ गए हैं विष्णु दादा। विष्णु दादा कल भी यही कपड़े थे ना? नहीं नहीं, कौन से थे कल? अलग थे, मुझे यही लग रहा है। नहीं। दीदी अलग थे। तेरे अलग थे? हाँ। इसमें क्या जीत गई बता तू, क्या जीत गई, इतना खुश हो रही है? मैं छोटी छोटी बातों में खुश होती हूँ। कितनी कितनी बातों में? इतनी इतनी से। कौन सी बात, मतलब जैसे? जैसे के कपड़ों की बात हो गई, चलने की बात हो गई, मेरे पेट की बात हो गई, तो मैं खुश होती हूँ। सच में मैं नूर को आज बोल रही थी, मुझे लग नहीं रहा ये प्रेगनेंट, ऐसे लग रहा है कुछ बांधा होता है जैसे। मैं ऐसे करूंगी ना प्रेगनेंट। नूर बेबी आना चाहिए। हाँ, ये ना हो के तू कुछ बांध बांध के हम सबकी वो सिंपति ले रही हो, ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं, पक्का 110% है ना? हाँ, मैंने कांड किया। विष्णु अरे यार, तो चलिए तैयार होते हैं। और सो मैं घर शूट कर रही थी और अचानक से मेरी सास ने हमको सबको चकाचौंध कर दिया। जो शूट करने आए थे वो लड़के भी डर गए कि अरे बाप रे, इनके घर का सिस्टम ऐसे कि बहू पूरी जीन्स में और सास स्कर्ट में। आज मेरी सासू माँ की रेट्रो पार्टी है। सासू माँ दिखाओ जरा, आप क्यों देख रहे हो भाई मेरी सासू माँ को? तो मैंने कहा सासू माँ दिखाओ, आपकी गर्दन पूरी मुड़ी। वो हो, अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। पार्टी में जा रहे हैं और पीछे ये लोगों ने तैयार किया। यश क्यों देख रहा है मेरी सासू माँ को? वो भी गुजराती है। सू करे छे तमे यहाँ मारो सासू माँ को, देखे छे ये फंस गया सी है। जाओ सासू माँ, जिंदगी जियो अपनी, पी के लुढ़क के आना, पूरा दरवाजा खोलो, है ना? हम बहुत ऐसे फ्रैंक हैं अपने फैमिली के साथ। अच्छा रहना भाई, बहुत अच्छा। सासू माँ चली गई यार, वाह क्या जिंदगी है ना भाई। मैं इधर काम कर रही हूँ और सास मेरी स्कर्ट पहन के निकल गई। ये कैसा जमाना आ गया, बहू देखो काम कर रही घर में और सास पर्स लेके स्कर्ट पहन के निकल गई। जिंदगी हो तो ऐसी हो। गुड मॉर्निंग जी, कल का रात का शूट बहुत लेट तक चला जो घर पे हो रहा था, और सासू माँ पार्टी के लिए चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत 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 खुश थी एक बच्चे की तरह। और उनको कपड़े पहनाए हम लोगों ने, हेयर मेकअप किया, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। हमेशा अपनी बड़ों की खुशी का ध्यान रखो, क्योंकि अब वो बच्चे ही हैं, तो हमें उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो ज़िद करते हैं आई नो किसी चीज़ों पे जो कभी कभी नहीं मान सकते हम, हमको गुस्सा आता है यार नहीं, पर हाँ जो मानने वाली होती है तो प्लीज़ वो मानो। उनको खुश रखिए और बस प्यार कीजिए हमारे वीडियो को भी, और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो और इन्जॉय करो, वीडियो देखो, खुश रहो।